हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास सेकेंड के लिए हिंदी ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर एंड उसके सिलेबस लेकर आई हूँ। ये आप देख पाएंगे इसमें इसके हिंदी से रिलेटेड सैम्पल पेपर क्या रहते हैं। और आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर आपको सिल्वर ओलंपियाड के दूसरे सब्जेक्ट के भी क्लास सेकेंड के हमने पेपर डाले हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीके। तो वो पेपर भी आप अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं और उन्हें उस प्रकार तैयारी करवा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर देखने से पहले इसके हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हमारा ये स्टार्ट हो जाता है, कक्षा दूसरी के लिए भाषा ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। भाषा, वर्ण, विचार, शब्द और वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम और विशेषण। व्याकरण बोध से हमारा हो जाता है विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यावर्ती शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द और मुहावरे। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा तार्किक क्षमता, गिनती, दिन और महीने, कहानी और लेखक, निबंध और लेखक। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, अर्थात हिंदी के क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में बांटा गया है, भाषा ज्ञान, व्याकरणिक बोध और तार्किक क्षमता। अब हम इसके क्वेश्चन पेपर को चलिए देख लेते हैं। ये हमारा सैंपल पेपर है। जनरली क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। टाइमिंग बच्चों को 40 मिनट्स का दिया जाता है। अभी हम सैंपल के रूप में 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं ए, नाम, ख, व्यंजन, ग, वर्णमाला, घ, स्वर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ग, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नंबर 2, सेब। सेब में कौन सी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा किसमें लगेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन खे, ए की मात्रा ये है। नंबर 3, इसमें से कौन सा शाकाहारी जानवर है, ए बाघ, ख खरगोश, ग सेब एंड घ कुत्ता। तो इसमें से शाकाहारी जानवर अपना खरगोश हो जाता है, करेक्ट आंसर खरगोश। नंबर 4, इनमें से कौन राष्ट्रीय पक्षी है, ए कौआ, ख तोता, ग मोर, घ कोयल। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो करेक्ट आंसर ग। नंबर 5, इनमें से कौन एक वचन है, क लड़कियां, ख बत्तखें, ग किताबें, घ हिरण। एक वचन यहाँ पे पूछा जाता है, एक वचन और बहुवचन। ये बच्चे क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके होते हैं, जैसे लड़कियां, लड़की, लड़कियां, बत्तख, बत्तखें, इस तरह हमारे वचन बनते हैं। तो एक वचन यहाँ पूछा जा रहा है, एक वचन हमारा घ है हिरण, जबकि लड़कियां, बत्तखें और किताबें बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जवान का विलोम शब्द क्या है, क बच्चा, ख बूढ़ा, ग पहलवान, घ अपंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख बूढ़ा, जवान बूढ़ा, जवान का विलोम शब्द हो जाता है बूढ़ा। नंबर 7, पृथ्वी का पर्यावर्ती शब्द कौन है, क भानु, ख दिवाकर, ग धरती और घ समय। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ग धरती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। नेक्स्ट हम सोशल साइंस के ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे देखना न भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से व्यंजन कौन है, क आ, ख ई, ग फ और घ उ। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ग फ। फ एक व्यंजन शब्द है जो ईश्वर की सहायता से होते हैं, फ फ और अ मिलकर बन रहा है, फ हमारे यह व्यंजन हो जाता है, करेक्ट आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्यायाम सुबह करना चाहिए, ग नहाकर, ख खाकर, ख खाना खाकर, ग खाली और घ उपयुक्त। व्यायाम सुबह खाली पेट करना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ग, व्यायाम सुबह खाली पेट करना चाहिए। नंबर 10, जो भगवान को नहीं मानता है के लिए एक शब्द क्या होगा, क नास्तिक, ख आस्तिक, ग शिष्य और घ दानव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो ये थे हमारे हिंदी ओलंपियाड का सेकेंड के लिए पेपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।